हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीबीएम केयू में बीएससी में एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है, कौन सा एग्ज़ाम कॉलेज में होता है और कौन सा एग्ज़ाम सेंटर में होता है। सबसे पहले जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसके कुछ मंथ बाद आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो कि कॉलेज में होता है, और वो कॉलेज ग्रुप कॉलेज द्वारा मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होगा। वो जो एग्ज़ाम होगा वो 15 मार्क्स का होगा। आपको 3 क्वेश्चन उसमें लिखने दिया जाएगा। आपको 3 क्वेश्चन उसमें लिखना होता है। पास मार्क्स उसका 7 होता है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। ये होता है आपका इंटरनल एग्ज़ाम के कुछ मंथ बाद ही या फिर 1-2 वीक बाद ही आपका फॉर्म फिलअप का डेट निकलता है। उसके 1 महीना बाद आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। उस एक्सटर्नल एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगा वो MCQ होगा, 12 MCQ दिया हुआ रहेगा। एक जो MCQ होगा वो 1 मार्क्स का होगा। टोटल 12 मार्क्स का आपका MCQ होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखना होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। उसमें हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा क्योंकि उसमें आपको 4 क्वेश्चन लिखना होगा। इसी में 12 मार्क्स करके हो गया क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इसमें आप 1.5 पेज भी लिखिएगा तो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक जो होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 12 मार्क्स हो गया जिसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक क्या होगा कि इसमें लॉन्ग आंसर लिखना है। एक टॉपिक को कम से कम आपको 5 पेज तक लिखना होगा इंक्लूडिंग फिगर। आपको फिगर भी बनाना होगा क्योंकि जियोलॉजी ऑनर्स में आपको फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस क्वेश्चन नंबर 10 में जो होगा वो आपका शॉर्ट नोट दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको 2 शॉर्ट नोट लिखना है। एक जो शॉर्ट नोट होगा वो 6 मार्क्स का होगा और दूसरा जो शॉर्ट नोट होगा वो 6 मार्क्स का होगा। टोटल 2 इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। अगर बाय चांस 3 से 9 तक अगर आपको कोई नहीं मतलब होता ना कि 3 क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 में जो शॉर्ट नोट होगा वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से 10 के बीच आप कोई 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। 1 क्वेश्चन टोटल आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 से 10 में कोई 3 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। उसके बाद मैं जियोलॉजी ऑनर्स का सिलेबस दिखा देती हूँ कि उसमें किस तरह का दिया हुआ है। ये सिलेबस है जियोलॉजी ऑनर्स के सेमेस्टर 1 का। टोटल आपको एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 को मिला के। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट नोट होगा जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 से 9 जो होगा वो आपका लॉन्ग आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होगा। ये पेपर 1 है सिस्टमैटिक एंड एनिमल डाइवर्सिटी नॉन कॉर्डेट। इसमें जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये आपका शॉर्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और स्पेसिस कॉन्सेप्ट ये सब लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये होगा सेमेस्टर 1 का पेपर 2 वाला पेपर जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी।